हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को यूएस की जो मेन हाईलाइट है वहाँ पर लेके चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने अपनी घर से जर्नी स्टार्ट कर दी है। इसके लिए हम लोगों को लिबर्टी स्टेट पार्क, जो कि जर्सी सिटी में है, वहाँ पे पहुँचना रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पार्किंग वहाँ पर ही करनी रहेगी। वहाँ से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी कार पार्क कर दी है, बस अब हम लोगों को थोड़ा वॉक करके आगे जाना रहेगा। जो मेन हाईलाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क हार्बर में एक विशाल मूर्ति है, वहाँ पे हम आप लोगों को लेकर चलते हैं। और गाड़ी हम लोगों ने पहले ही पार्क कर दी थी, तो 10 मिनट के लिए हम लोगों को वॉक करके जाना था, जहाँ पे हम लोगों को फेरी लेनी थी। और फेरी से ही हम लोगों को लिबर्टी आइलैंड पहुँचना था, जहाँ पे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थापित है। अब हम आप लोगों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में एक बहुत बड़ी मूर्ति है। कॉपर की ये मूर्ति 151 फीट लंबी है, लेकिन उसकी चौकी और आधारशिला मिलाकर यह 305 फुट ऊंची है। और 22 फ्लोर्स की इस मूर्ति के क्राउन तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियाँ हैं चढ़नी पड़ती हैं। अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर कॉपर की बनी यह मूर्ति फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को दी थी। और 2010 की गणना के अनुसार अनुमान है कि इस स्टैचू को देखने के लिए 12 से 14 हज़ार तक लोग डेली आते हैं। स्टैचू के एक राइट हैंड में एक मशाल है और दूसरे हैंड में एक बुक है, जहां स्वतंत्रता की घोषणा की डेट जुलाई 4, 1776 लिखा हुआ है, जो स्टैचू के लेफ्ट हैंड में है। और इधर देखिए, हम लोग फेरी की तरफ पहुंच चुके हैं। और उस समय क्या था कि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, बीच बीच में हम लोग फ़ोटो वगैरह भी ले रहे थे, तो हम लोगों ने एक दूसरे की फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। और एकदम टाइम हो चुका था फेरी के छूटने का, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर पता चला फेरी का जो मेन कैप्टन रहता है उसने हॉर्न किया, फिर हम लोग जल्दी से फेरी में चढ़े जाके, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत फन किया यहाँ तक आने के लिए। और हम लोगों की फेरी निकल चुकी थी, और सबसे पहले जो फेरी है वो एलिस आइलैंड पे रुकेगी। वहाँ पे जिसको उतरना है वो उतरेगा, जिसको नहीं उतरना है वो आगे लिबर्टी आइलैंड पे पहुँचेगा। तो हम लोगों को एलिस आइलैंड पे नहीं उतरना था, क्योंकि हम लोग पहले भी एक बार आ चुके हैं, तो हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इतना क्राउड था कि लाइन बाहर तक लगी हुई थी, तो हम लोगों ने वो स्किप कर दिया। और बस अब हम लोग लिबर्टी आइलैंड पे आ चुके हैं, और इसके लिए हम लोग को वॉक करके आगे जाना रहेगा। टिकट ऑलरेडी हम लोगों ने ऑनलाइन बाय कर ली थी। ये देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोगों को भी दिख रही होगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब आपको बताया ही था पहले के अपने ब्लॉग्स में कि मेरी नीज़ आई हुई है, तो उसके साथ घूमने में और भी मज़ा आ रहा था, और मेरे बच्चों ने भी बहुत फन किया। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हम लोगों ने टिकट्स पेडेस्टल के लिए लिया था, क्योंकि क्राउन तक जाने के लिए उस समय एक तो वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, और दूसरा टिकट्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोगों ने पेडेस्टल वाले ही टिकट्स खरीदे हुए थे। और इसके लिए हम लोग अभी एंटर कर गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी लाइन लगी हुई है अंदर। और पेडेस्टल के टॉप तक पहुँचने के लिए 215 स्टेप्स हैं, जो हम लोग लाइन में लगे हुए थे, तो वो एलिवेटर के लिए लगे हुए थे कि एलिवेटर से पहुंचेंगे। लेकिन फिर देखा एलिवेटर में केवल एक बार में 4 लोग ही जा पाते हैं। और तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था, और उसने बोला कि अगर वेट करोगी तो बहुत टाइम लगेगा एलिवेटर के लिए, इससे अच्छा है कि तुम लोग ऊपर चढ़ के जा सकते हो। हम लोगों ने अपने आप चढ़ना स्टार्ट कर दिया, और टॉप तक हम लोग पेडेस्टल के टॉप तक गए। सबसे पहले मेरी बेटी और मेरी नीज ने डिसाइड किया कि वो लोग स्टेप चढ़ के जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग भी लाइन में वेट करते रहे। अंत में फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि चलो स्टेप्स यूज़ करते हैं और पहले ही पहुंच जाएंगे, तो वो हम लोगों का डिसीजन अच्छा रहा। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वेरी टायरिंग, बट हम लोग आराम से चढ़ के गए उधर।
बच्चे तो स्टेप्स आसानी से चढ़ के चले जा रहे थे, बट हम लोगों को थोड़ा टायरिंग हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि केवल हम ही लोग टायर्ड थे, और भी बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, बट सभी लोग एंजॉय करते करते धीरे धीरे करके ऊपर तक पहुंच रहे थे। और ये देखिए फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ के आ चुके हैं। अब बस हम बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर जो एरिया है वो चारों तरफ से बना हुआ है, जैसे चौकी रहती है उस तरह का बना हुआ है। तो वहाँ पे हम लोगों को जाना था, लेकिन बाहर भी थोड़ा काफ़ी लोग खड़े हुए थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोगों को बाहर जाने को मिला। तो ये बाहर हम लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, तो ये आप लोग व्यू देख सकते हैं। फिर हम लोग अप्रॉक्स 30 मिनट्स तक उधर ऊपर रहे, फिर हम लोग नीचे उतर के आए। बाद में फिर हम लोगों को एग्जिट करना था, बट हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था एग्जिट किधर से करना है, क्योंकि नीचे इन लोगों ने काइंड ऑफ पिक्चर्स और भी बहुत सी चीज़ें लगाई हुई थी, तो वो भी देख के अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने इधर उधर देखा कि एग्जिट का कहाँ पे है, तो फाइनली हम लोगों को एग्जिट दिख गया था, और हम लोग धीरे धीरे वॉक करके उधर ही निकल रहे हैं। और गर्मी भी उस दिन थी, तो बस यही सोच रहे थे कुछ पीने को ठंडा मिल जाए। तो फाइनली हम लोगों को लेमनेड वहाँ पे मिल गया। ये देखिए हम लोग लेमनेड एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर हम लोगों ने वापस लौटने का सोचा। हम लोगों ने फेरी लेके जर्सी पार्क के उधर आ गए थे। तो अब बस अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने तो बहुत फ़न किया, होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू सून।